सिद्धू मूसे वाले कतलकांड जी तफ्तीश है बिल्कुल वधिया तरीके जी सिट वालों की जा रही हैगी है। उस तो बाद साढ़े को जिहड़े टोटल 6 शूटर असी आइडेंटिफाई कर ले सीगे जिहदे विच 3 शूटर असी अरैसट कर ले हैगे है। 2 शूटर जिहड़े हैगे है उन्हां दा पुलिस एक्शन दे विच डैथ हो गई है ते हुण जिहड़े रिमेनिंग शूटर हैगे दीपक मुंडी मुंडी भिवानी दे रहण वाले आ उन्हां दी अरैसट हजे पेंडिंग हैगी है। तफ्तीश दौरान वख वख जिहड़े दोषियों की पुछगिछ के दौरान साढ़े कोल जिहड़े अहम लीड्स आईया हन जिहदे उत्ते ऑलरेडी काम चल रहा है असीं उम्मीद करते हैं कि बहुत छेती असीं जिहड़े आखिरी शूटर है उन्नू भी राउंड अप कर लांगे। एक्शन होया इहदे विच मनु कुसर जगरूप रूपा वल्लों AK-47 नाल पुलिस ते फायर किया गया सी जिहदे विच 3 पुलिस कर्मियों ते गोली भी लगी हैगी इंजर्ड होए ने ते हुण जदों पुलिस एक्शन खत्म होया जिहदे विच दोनों की डैथ हो गई है उन्हां कोलों जिहड़ा AK-47 राइफल फोल्डेबल बटाला अते पिस्टल्स अते हैवी जिहड़ी अमाउंट जिहड़ा एमुनेशन भी बरामद होया है ते जिहड़ा कि जवाहर के पिंड जिहड़ी मनबागी घटना होई सी जिहदे विच सिद्धू मूसे वाले का कतल होया सी उहदे विच भी जिहड़ी फोरेंसिक रिपोर्ट साडे कोल आईआं कि AK-47 ही चली सीगी ते इहदी बहुत ज़्यादा जिहड़ी संभावना हैगी है कि इह उही AK-47 होए जिहदे नाल जिहड़ा सिद्धू मूसे वाले का कतल होया सी। पर फिर भी असीं इहदी फोरेंसिक जांच जिहड़ी करावांगे तां जो जिहड़ा पुख्ता सबूत फाइल से लैके आ सके तो तुहानूं स्पष्ट तबाद दे सकीए। इस तों इलावा मैं सारे जिहड़े यंगस्टर्स नूं इही कहना चाहवांगा कि जिहड़ा ये गैंगस्टरिज्म का राह हैगा या जिहड़ा क्रिमिनलिज्म का जिहड़ा राह हैगा ये बिल्कुल ही गलत राह हैगा ते इहदा अंत भी माड़ा हुंदा हैगा है। मैं सारयां नूं बेनती करांगा बिल्कुल इस ते जिहड़ा पिछे ना लगन बहुत ही माड़ी गल हैगी है ते जिहड़ा अपने समाज दे लई वी तुहाडे लई वी ये तुहानूं गलत राह ते पा दूगी जिहदे तों कोई जिहड़ा मुड़ना बाद च औखा हो जांदा। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਸਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ।